हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू इवर यूट्यूब चैनल होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग वेल इन प्रीवियस वीडियो वी अबाउट डेमोक्रेटस ऑन यूनिवर्स इन दिस सेगमेंट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एम्पिडोसिल्स एम्पीडोसिल्स ऑन यूनिवर्स लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विदाउट एनी फर्दर डिले ऑफ टाइम जो टाइम पीरियड है एम्पिडोसिल्स का वो हमें देखने को मिलता है अराउंड फोर हंड्रेड नाइन्टी फोर टू फोर हंड्रेड फोर्टी फोर बी सी ई जो कि एक ग्रीक प्री सोक्रेटिक फिलसफ़र थे और वो बिलोंग करते थे फ्रॉम द टाउन ऑफ अक्रागा सिलसिले सो so, जो एम्पीडोसल थे उसको ऑल्सो जाना जाता है उसकी कॉस्मोगोनिक थ्योरी से आ, वो आल्सो बात करते हैं अबाउट द टू फोर्सेस, सच एज लव एंड स्ट्राइव जो कि सेपरेट और मिक्स करते हैं एलिमेंट्स को एम्पीडोसिल्स जो हैं वो आल्सो चैलेंज करते हैं प्रैक्टिस ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर फूड और वो डेवलप करते हैं डॉक्टर ऑफ ऑफरीन कॉर्नेशन रिबर्थ सो uh, so, वो लास्ट ग्रीक फ़िलासफ़र हैं uh, जिसने रिकॉर्ड किया अपने आइडियाज़ को अपनी वर्सिस में ऑनली उसके जो वर्सिस हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं रादर दैन एनी प्री सोक्रेटिक फ़िलासफर जो एनिशन राइटर्स हैं वो उसकी कॉज ऑफ डेथ को एक्सप्लेन करते हैं थ्रू सिम्बोलिकली अबाउट हिज फ़िलासफी जो मॉडर्न स्कॉलर्स हैं वो बिलीव करते थे कि जो एम थे वो अपोज करते थे और रेस्पॉन्ड करते थे टूवर्ड्स द परमेंडज डॉक्ट्रीन ऑफ मोनोइज और और उसकी जो लेटर वर्कस थी वो दिखाते हैं कि जो एम्पिडोसिल्स थे वो स्टडी करते थे आविद पाइथागोरस अबाउट द डॉक्टरिन ऑफ री इनकॉशन री और वो स्टडी करते थे डॉक्टरिन ऑफ री इनकॉर्नेशन को इन टू देयर ओन लोकल ट्रेडिशन रादर दैन डायरेक्टली फ्राम पाइथागोरस सो अंडर कॉस्मोलॉजी जो एम्पिडोसल्स हैं वो थ्योरी देते हैं फोर एलिमेंट्स का फायर आयर वाटर एंड अर्थ जो एम्पीडोसिल्स हैं वो बिलीव करते हैं कि हमें फ़ोर एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं जो कि आ, सभी ऑब्जेक्ट्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं इन द वर्ल्ड जो एम्पीडोसल्स हैं वो इन फोर एलिमेंट्स को रूट्स कहते हैं और आ, वो इनको मेथिकल नेम्स देते हैं इन फोर एलिमेंट्स को सच एज जियोस हीरा नेस्टिस एंड एडिनोस। जो एम्पीडोसल्स हैं वो यूज़ नहीं करते हैं टर्म एलिमेंट इन वो यूज़ करता है टर्म सियाटियन जो कि एक्चुअली फर्स्ट यूज़ किया प्लेटो ने सो डिफरेंट मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग हमें फ़ोर एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं जो कि इंट्रस्टिक इंडस्ट्रक्टेबल हैं अनचेंजेबल हैं जो कि कभी डिस्ट्रक्ट नहीं हो, होते सो so, वो एलिमेंट्स जनरली कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ और वो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं फिर और ये जो एलिमेंट्स हैं ये कंबाइन भी हो सकते हैं सेग्रीगेट भी हो सकते हैं और ये जो एलिमेंट्स हैं ये ग्रो कर सकते हैं इनक्रीज़ कर सकते हैं या डिक्रीज़ हो सकते हैं वन इंटरप्रिटर डिस्क्राइब करता है उसकी थ्योरी को ये कह के, के जो न्यू थिंग्स हैं वो एक्जिस्टेंस में नहीं आती बट एक्चुअली वो चेंज होती हैं इनटू द अदर इनटू देयर एलिमेंट्स सो ये जो थ्योरी हैं एमपिडोसिल्स की ये स्टैंडर्ड uh, बनी डॉगमा बनी बिलीव बनी फॉर द नेक्स्ट टू अपकमिंग टू थाउजेंड ईर्स है ये जो फोर एलिमेंट्स हैं ये सिंपल अन-एंडिंग फॉर एवर और अनचेंजिंग है अकॉर्डिंग टू द एम्पीडोसिल्स बट ऑनली चेंज हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं टेक प्लेस होती हैं यहाँ पे थ्रू द मिक्सचर या सपरेशन से ऑफ़ दिज एलिमेंट्स सो ये जो फोर एलिमेंट्स हैं ये फर्दर डिड uh, होते हैं इन टू द लव एंड स्ट्राइव फिलोटिस एंड नी एमंग विच जो लव एंड फिलोट्स हैं वो रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एट्रैक्शन या कम्बिनेशन ऑफ दिज फोर फार्मस सच एज़ जो मैटर हैं और जो स्ट्राइफ निकॉस हैं वो रेस्पॉसिबल होता है फॉर द काज ऑफ सेपरेशन ऑफ दिज फोर एलिमेंटस दस जो लव एंड स्ट्राइफ हैं वो एक्सप्लेन करता है चेंज ओवर कम्बिनेशन ऑफ दिज एलिमेंट्स दस बहुत जो लव एंड स्ट्राइफ हैं ये हमें एट्रैक्टिव देखने को मिलते हैं और रिपल्सिव फोर्स हैं जो कि ऑबजरवेबल हैं सो so, ये जो रिपल रिपल्सिव फोर्सेस हैं ये स्प्रेडिड हैं ऑल ओवर द यूनिवर्स सो so, ये जो टू फोर्सेस हैं ये आल्सो हमें सॉलिड और स्लोली डिक्रीजिंग देखने को मिलते हैं बहुत जो फोर्सेस हैं ये एक, एस्केप नहीं कर सकते हैं फ्रॉम ईच अदर दस जो एम्पिडोसिल्स हैं उसका जो हमें कॉस्मिक साइकिल है वो हमें बेसड अपॉन देखने को मिलता है ऑन कन्फ्लिक्ट बिटवीन लव एंड स्ट्राइप सो so, हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं कि जो ऑरिजिनल और बेस्ट कंडीशन होती है इन एलिमेंट्स की या प्योर कंडीशन uh, होती हैं इन एलिमेंट्स की वो हमें थ्रू टू पावर्स देखने को मिलते हैं जब वो कंबाइन होते हैं और फार्म करते हैं स्पीयर सो so, ये जो एलिमेंट्स हैं ये एग्जिस्ट करते हैं प्योरिटी पे uh, जहाँ पे हमें कोई भी मिक्सचर और सेपरेशन uh, नहीं देखने को मिलती जो कि एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं पावर एंड लव को और एमंग विच जो स्ट्राइफ़ हैं वो गार्ड करता है लव uh, को और इन एलिमेंट्स को सो so, यहाँ पे जो स्ट्राइफ हैं वो प्रोटेक्ट करता है प्योर एलिमेंट्स को टुगेदर दस ये हमें दिखाता है कि जो वर्ल्ड ऑफ फिनोमिना है उसको ऑपरेट किया जाता है बाय बूथ लव एंड स्ट्राइफ एक्चुअली जो एम्पिडोसिल्स हैं वो इमेजिन करते हैं अबाउट द दाइकोलॉज साइक्लिकल यूनिवर्स जहाँ पे एलिमेंट्स जो हैं वो फॉर्म प्रिपेयर और रिटर्न होते हैं इनटू द पीरियड ऑफ यूनिवर्स जो एम्पिडोसिल्स हैं वो एक्सप्लें करते हैं सेपरेशन ऑफ एलिमेंट्स थ्रू द फार्मेषन ऑफ अर्थ सी सन मून इन टू द एटमोसफियर जो एम्पिडोसल्स हैं वो ऑल्सो रिलेट करता है इन एलिमेंट्स को विद दिजिनेशन ऑफ प्लांट्स एनिमल्स अबाउट द फिजिजी ऑफ ह्यूमन बींगस और वो कहते हैं ये जो फोर एलिमेंट्स हैं ये कम्बाइन होते हैं और ये अपियर होते हैं इसके हमें डिफरेंट रिजल्ट देखने को मिलते हैं सचेज़ हमें पहले ह्यूमन बींगस की जब ऑरिजिनेशन देखने को मिली वो विदाउट नेक्स आर्म्स और शोल्डर्स देखने को मिली देन जब आ, उसके बाद वो आ, जो ऑर्गन्स हैं वो कंबाइन हुए सो so, इसी तरह जो ह्यूमन बींग्स हैं वो ऑरिजिनेट हुए विद विदर्ड हेड्स बोथ मेल एंड फीमेल देन उसके बाद जो एमपी पी हैं वो कहते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सडनली फिर डिसअपियर हुए आफ्टर द आफ्टर दिस प्रोसेस इस प्रोसेस के बाद ऑर्गेनिक यूनिवर्स ऑरजिनेट और एराइज़ हुआ ना अगर हम बात करते हैं साइकोलॉजी ऑफ एम्फेडोसिल्स लाइक पाइथोग जो एम्फेडास हैं वो ऑल्सो बिलीव करते हैं इन द्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल री इनकारनेशन ऑफ सोल आई ऑलरेडी मैंशनड रिबर्थ ऑफ ह्यूमन बींग्स एनिमल्स एंड प्लांट्स एकॉर्डिंग टू एम्फेडोसल्स जो ह्यूमन बींग्स हैं वो ऐसी क्रिएचर्स हैं जिनको क्रिएट किया गया एक अलग यूनिवर्स में बट Uh, वहाँ पे इसने कमिट किए क्राइम ब्लड शेड और वायलेंस ड्यू टू विच जो ह्यूमन बींग्स हैं वो uh, गिर गए ऑन द अर्थ जहाँ पे ह्यूमन बींग्स को पास करने हैं थ्री थर्टी थाउजेंड साइकल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ़ सोल फ्रॉम वन मैन टू अनदर मैन रिटर्न बैक जाने के लिए प्रीवियस स्पियर और डिवेनिटी और ग्लोरी में इट इज़ रीज़न कि एम्पिडोसिल्स जो हैं वो कहते हैं कि एक पर्सन को स्पेंड करना होता है एक सीरीज ऑफ़ लाइफ टाइम ऑन अर्थ और जो वॉइस पीपल होते हैं या गुड पीपल होते हैं जो कि लर्न करते हैं सीक्रेट ऑफ लाइफ को वो ज़्यादा क्लोज होते हैं टू तो द डिवाइन ग्लोरी देन दे आर एबल टू तो लिव दियर अनए लाइफ और हैप्पीनेस बिसाइड एज आई ऑलरेडी मेन्शन की जो एम्पिडोसल जो थे वो रिजेक्ट करते थे प्रैक्टिस ऑफ एनिमल सेक्रीफाइसिस जो कि प्योर वेजिटेरियन थे और उसने एडवोकेट किया वेजिटेरियनिज़म बिकॉज जो एम्पिडोसल्स जो थे वो बिलीव करते थे सिर्फ जो लिविंग थिंग्स हैं वो पजेस करते हैं स्प्रेडस वेदर वो प्लांट्स हो एनिमल्स हो या ह्यूमन बीग्स हो सो जो एम्पिडोसल जो, जो हैं वो फर्स्ट पर्सन थे जो कि कम्प्रहेंसिव थ्योरी देता है लाइट और विजन का और वन ऑफ द फेमस हिस्टोरियन विल ड्रॉन्थ जो है वो कहते हैं कि जो एम्पिडोसल्स हैं वो सजेस्ट करते हैं की जो लाइट हैं वो टाइम लेती हैं पास होने के लिए फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एम्पिडोसिल्स जो हैं वो आल्सो इस आइडिया को फॉरवर्ड पुट फॉरवर्ड करते हैं और ये आ, कहते हैं कि हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं बिकॉज ऑफ लाइट थ्रू आवर आइज तो ये जो कंसेप्ट है ये बेसिस बनी फॉर द ग्रीक फ़िलासफर्स और उनकी मैथमेटिक्स के लिए सच एज़ इल्यूसड जिसने आल्सो कंस्ट्रक्ट किया इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ लाइट एंड विजन एंड ऑप्टिकस टेन जो एम्पिटोसल्स थे वो आल्सो बिलीव करते थे कि हम एक्सप्लेन कर सकते हैं हमारे अराउंड जो भी थिंग्स हैं आ, उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं थ्रू तो परसेप्शन एंड नॉलेज वो आल्सो बिलीव करते हैं कि जो हमारी बॉडी है वो फुल ऑफ पोर्स थे मतलब फुल ऑफ पोर्स से मतलब इसमें हमें वेरियस पोर्स देखने को मिलते हैं और ये जो पोर्स हैं बॉडी के ये अडेप्ट और रिसीव करते हैं इन्फ्लुएंसेस अराउंड अस थ्रो थ्रो परसेप्पन जो है वो टेक प्लेस होती हैं सो विजन के थ्रू परसैप्शन के थ्रू हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं दस जो प्रसप्शन है ये एक्टिव रिफ्लेक्शन है जो भी हमारे अराउंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो एम्फिडोसल्स हैं वो ऑल्सो एक्सप्लेन करते हैं प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन थ्रो एनालॉगी ऑफ स्लेपसाइड्रा जो स्लेपसाइड्रा हैं ये एक एनिशंट डिवाइस हैं जिसको यूज़ किया जाता है लिक्विडस के लिए एक वैसल में दूसरे वेसल में डालने के लिए सो so, ये जो पार्ट हैं ये आल्सो डील करता है विद एरिस्टोटल फिजिक्स से जहाँ पे आ, वो एक्सप्लेन करता है कन्सेप्ट ऑफ वाइड और स्पेस को कि वो एग्जिस्ट नहीं करती विद द हेल्प ऑफ स्लबसाइडर ये जो पार्ट हैं ये हमें डायरेक्टली दिखाता है कि जो एम्पिडोसल्स थे आ, वो जानते थे अबाउट द फिज़िकल फार्म ऑफ एयर और वो मैंशन नहीं करते एनी थिंग अबाउट द स्पेस सोका था हमारा टॉपिक आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा डोंट फॉरगेट टू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन डार्क चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग